नागरिकता संशोधन बिल पर शिवसेना का सस्पेंस अभी भी बरकरार है। संजय राउत ने कहा कि जो देश हित में होगा वही हमारा रुख होगा। राउत ने कहा कि मानवता का कोई धर्म नहीं होता। आपका क्या रुख रहेगा आपका सर? क्या रुख रहेगा सर? जो देश के हित में हो, जो मानवता के हित में हो, वही हमारा रुख रहेगा। तो अभी तक ये अपनी रणनीति का खुलासा यहाँ पर शिवसेना नहीं कर रही, लेकिन उनका ये कहना है कि परिस्थितियां राज्यसभा में अलग हैं। कैमरा पर्सन पंकज तोमर के साथ अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज 18 इंडिया। उधर पीएम मोदी ने आज बीजेपी की संसदीय दल की बैठक में विरोधी दलों को लेकर सीधा हमला किया। राज्यसभा में नागरिकता संशोधन बिल पेश होने से पहले हुई इस बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान में जिन लोगों पर अत्याचार हुआ है उनका तिरस्कार नहीं होना चाहिए। तिवारी जी, आज नागरिकता संशोधन बिल को लेकर के प्रधानमंत्री ने कहा, बैठक में भी कुछ संदेश सांसदों को दिया होगा? देखिए, जो सदन में कांग्रेस का रवैया सीएबी बिल पे है रहा, उसको तो बहुत लंबे लंबे ढंग से लोग उसका उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन आज एक लाइन में ही प्रधानमंत्री जी ने भी उसको ये बात कही कि जो भाषा पाकिस्तान बोल रहा है वही यहाँ कांग्रेस और कुछ और साथी जो हैं संसद में वो बोल रहे हैं। उनका फुल स्टॉप कॉमा भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे पाकिस्तान का है, और ये एक लाइन ही इस देश को बताने को काफ़ी है कि कांग्रेस की या टीएमसी की या जैसे लोगों की सोच क्या है। मनोज भाई, लेकिन आज संसद लोकसभा में तो आप लोगों का बहुमत था, पास करवा लिया, लेकिन लोक राज्यसभा में बहुमत नहीं है, और शिवसेना जैसे जो आपके पुराने सहयोगी थे, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि इस बिल को देखेंगे कि क्या उनकी जो दिक्कतें थी उनको दूर किया गया है, नहीं साफ नहीं है कि समर्थन देंगे कि नहीं। पूरा विश्वास रखिए, 100% ये बिल आज राज्यसभा से पास होगा। शाम को हम लोग यहीं पे मिठाई खाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा नवीन बंसल के साथ विक्रांत यादव, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली।